हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिंदी क्लास सेकंड का चैप्टर 14, नटखट चूहा। तो बच्चों, एक चूहा था, बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक था। कुछ ना कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। तो हमें इसमें एक चूहे के बारे में बताया गया, जो बहुत चालाक और शरारती था। हमेशा कोई ना कोई शरारत वो करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। तो वो घर में बैठे बैठे बारिश के टाइम बोर हो रहा था, तो उसने सोचा बाजार में जाता हूँ और घूम के आऊँगा। और एकदम से वो जाने के लिए तैयार हो गया शहर में। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। तो जो चूहा है वो जा रहा था शहर की तरफ, तो उसने देखा कि एक दुकानदार अपनी कपड़े की दुकान थी वो, तो उसको खोल रहा था। तो चूहा भी उसके पीछे पीछे जो है वो चल पड़ा। और जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसको एकदम से चूहा दिखाई पड़ गया। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है, चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हा, हट यहाँ से, मैं चूहे को कुछ नहीं बेचूंगा। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे क्या? दुकानदार ने बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद मत कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार ने बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चूहा दुकानदार के पास गया था ना कपड़े की दुकान में, क्या करने के लिए, अपनी टोपी के लिए कपड़ा खरीदने के लिए गया था। तो दुकानदार ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं बेचूंगा। तो चूहे को आ गया गुस्सा कि तुम मुझे नहीं बेचोगे? दुकानदार ने कहा, नहीं, मेरा समय मत बर्बाद करो, भागो यहाँ से। तो फिर चूहे को इस बात से चिढ़ लग गई और गुस्सा आ गया। फिर क्या हुआ, एक बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार को डर लग गया कि रात में आएगा अपने दोस्तों को लेके, अपनी सेना के साथ मेरे सारे कपड़े को उतर जाएगा। दुकानदार ने बोला, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वह एक दर्जी की दुकान में आ गया। तो जब दुकानदार ने चूहे को कपड़ा देने से मना कर दिया, तो चूहे ने बोला, अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं अपने पूरी सेना के साथ आऊँगा, तुम्हारे सारे कपड़े को उतर जाऊँगा। दुकानदार को इस बात से लग गया डर। फिर उसने कहा, भैया ले जाओ, और बहुत ही सुंदर सा रेशम का कपड़ा दे दिया। अब चूहा पहुँच गया दर्जी के पास। चूहे ने दर्जी को रेशम का कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की अच्छी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, तेरे मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं। दर्जी ने कहा, फिर दर्जी ने भी ऐसे कहा, चल हट यहाँ से, मेरे पास जो तेरा काम करने के लिए ना समय नहीं है, तू जा यहाँ से। चूहे को फिर गुस्सा आ गया, वो जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं नहीं दर्जी ने कहा। तो ठीक है, चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कतरूंगा। तो फिर से वही गाना गाने लगा कि रात में आऊंगा और तुम्हारे सारे कपड़े कुतर के चला जाऊंगा अपनी सेना के साथ। दर्जी को भी डर लग गया। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बना देता हूँ। तो थोड़ी देर में ही दर्जी ने चूहे के लिए सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। फिर दर्जी भी डर के भाई उसने टोपी तैयारी कर दी। फिर चूहा अपनी जो चेहरा है वो शीशे में देखने लगा और खुश होने लगा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, चूहे ने सोचा। वह कूदता फांदता दुकान से बाहर निकल गया और सड़क पर शान से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहाँ सुनहरे और रूपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा।
फिर उसको टोपी ना बहुत सादी लगी थी जब उसने अपने को शीशे में देखा था, तो उसने सोचा मैं इस टोपी पे ना सितारे वगैरह लगवाऊंगा। फिर वो दर्जी की दुकान से निकला, बाजार में घूमने लगा, फिर उसे एक सितारों वाली दुकान दिख गई, तो उस दुकान के अंदर वो घुस गया और कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना कर, एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? फिर इस दुकानदार ने भी यही कहा, चल भाग यहाँ से मेरी दुकान से, सितारे क्या खरीदेगा खरीद के, भले ही एक चूहा बताना जरा। फिर वो बोलता है, तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से में पूछा। नहीं नहीं मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। इस बार दुकानदार ने फिर मना कर दिया कि मैं तुम्हें सितारे जो है वो नहीं बेचूंगा। फिर चूहे ने फिर से यही गाना गाया, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। तो दुकानदार ने कहा, फिर डर लग गया दुकानदार को, तो भैया सच में ऐसा ना कर दे। फिर दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं उन्हें तुम्हारी टोपी में टांक भी दूंगा। वो कह फिर दुकानदार डर के कहता है, भाई मेरे सितारे बिखेरना मत तुम, मैं तुम्हें सितारे भी दे दूंगा और तुम्हारी टोपी में टांक के भी दूंगा, मतलब लगा के भी दूंगा। अच्छा तो जरा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनाकर तैयार हो गई, टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। तो अब उसको बड़ी खुशी हुई, उसकी टोपी में सितारे वगैरह जड़ गए, तो उसने सोचा अब किसे दिखाऊं अपनी इतनी सुंदर चमकीली टोपी, चलो राजा को दिखाने चलता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास आ पहुंचा। वह राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुए। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जो चूहा था वो राजा के महल में पहुंच गया था। राजा ने चूहे को देख के कहा, अरे चूहे तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। तो जब वो राजा के पास गया चूहा, तो उसने राजा से पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूँ? तो राजा ने कहा, तुम तो राजकुमार लग रहे हो, बड़े अच्छे लग रहे हो। तो चूहे ने कहा, तो फिर हटो भाई गद्दी से, मैं बैठूंगा इस गद्दी पर। राजा को हंसी आ गई, उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहे के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही इस पर बैठ सकता है। फिर राजा ने भी कह दिया कि भाग यहाँ से चल, मेरा सिंहासन है, राजा बैठता है, चूहे थोड़ी बैठते हैं। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? तो राजा ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। राजा ने कहा, नहीं नहीं राजा अपनी बात पर एकदम से अड़ा हुआ था कि नहीं, मैं तो अपनी गद्दी से नहीं उतरने वाला। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहों को, इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक फिर गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखा और कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहे की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी, वह डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात मैं आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। अब ये वाली बात सुन के तो राजा को बड़ा डर लगने लगा कि मेरे सैनिक भी चूहे को नहीं पकड़ पा रहे, सच में ही ना आ जाए रात में, वो भी पूरी सेना लेकर के अपनी। राजा डर से कांपने लगा। कांपती आवाज में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार में नाराज हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। फिर राजा को डर लग गया और कहा कि भाई चलो बैठ ही जाओ गद्दी पे, मैं उतर जाता हूँ। चूहा बहुत खुश हुआ, शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफी देर तक वहां आराम करता रहा। रात जब काफी बीत गई, वह गद्दी से कूदकर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी और सभी साथियों को दिखाई, सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे।
तो फिर जब राजा नहीं मान रहा था तो चूहे ने राजा को धमकी दी कि मैं आऊँगा राजमहल में और सारी सेना के साथ अपनी और सब कुछ कुतर दूंगा। फिर राजा ने भी कह दिया भाई जितनी देर तक गद्दी पे बैठना है बैठ जाओ। तो वो पूरी रात आधी रात तक बैठा रहा, फिर उतरा वहाँ से। और जब उतर करके गया तो देखिए यहाँ पे जब अपने घर वापस गया तो सारे अपने दोस्तों को सारे चूहों को पूरी की पूरी कहानी चूहे ने सुना दी। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो दर्जी चूहे की किस बात से डर गया? दर्जी चूहे की इस बात से डर गया था कि वो वहाँ के सारे कपड़ों को कुतर देगा। चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? चूहा टोपी इसलिए पहनना चाहता था क्योंकि वो टोपी पहन के बहुत अच्छा लगता, राजा जैसा। चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? क्योंकि सितारे लगा के टोपी और भी सुंदर लगती, चमकदार लगती। चूहे ने दर्जी की टोपी सिलने से क्यों मना सॉरी दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि चूहा कोई टोपी थोड़ी ना पहनता है जो दर्जी उसकी टोपी सिलता। ये इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है ना, ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और जितनी भी एक्सरसाइज है वो सारी की सारी उसमें कवर कर दूंगी। तो ये वाले वीडियो में नहीं देखते इसे, नेक्स्ट वीडियो में जो है पूरी एक्सरसाइज का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। सो थैंक यू।